मेरी माँ हमेशा मुझे बोला करती थी कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँगा तो मुझे बहुत बड़ी रंग बॉल मिलेगी। ठीक है। पता नहीं क्या है रास्ते में, अजीब है, मुझे लहरों की आवाज क्यों आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे एक शेल मिल गया। मैं इसे अपनी टोपी बना लूंगा। घर चलो मेरे साथ शेल, तुम मेरी पार्टी वाली टोपी बनोगे। हाँ तो बार्टलबी, दादी की बात ध्यान से सुनो। समुद्र के किनारे से सुंदर जगह इस दुनिया में कोई नहीं है। जब सनसेट होता है तो बहुत सुंदर नजारा होता है। कितना रोमांटिक है। वाव, सुनने में बहुत खूबसूरत है। हाँ, एक सपने जैसा। लहरों की आवाज सुरीली होती है। लहरों की आवाज? हाँ बिल्कुल, तुमने कभी लहरों का गाना सुना है? हाँ, सच में कमाल का होता है। सच में? मुझे भी सुनाओ ना। तुम्हें सुनना है? मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बार्टलबी। मैं तो रास्ते पे जा रहा था। अरे वाह, मैं तो भेल पूरी खा रहा बार्टलबी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। कितना क्लासिक गाना है ना? ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ आपके लिए लोरी गा रही है। सच में? ओ सच में? बार्टल, बहुत प्यारा गाना है। हाँ बिल्कुल। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, मैं तो रास्ते पर जा रहा था। कितना चटपटा गाना है। ये गाना सुन के मुझे नींद आ जाती है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अयो, लगता है निडी की कहानी अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जाकर लहरों की आवाज सुनकर ही आऊंगा। हे बार्टलबी, रुक जाओ। वाओ, समुद्र की आवाज। आखिर मुझे लहरों की आवाज सुनने का मौका कब मिलेगा? लहराती हुई घास। जब हवा चलना शुरू होती है तो घास भी उसी के साथ नाचती है। हाँ, ये सच है। इसका मतलब लहरों की आवाज भी ऐसी होगी। ये मजा आ गया। मन कर रहा है यहाँ लेट कर पूरा दिन इसकी आवाज सुनता रहूं। ये आवाज कितनी मीठी है, जैसे एक चॉकलेट। बार्टलबी, बार्टलबी, मेरी नई पार्टी हैट देखो, तुम्हें अभी उठ कर देखना होगा। मैक्रो, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं बाद में आके दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। प्यारी हवा, प्लीज इसी तरह चलते रहो, मैं तुम्हारी आवाज का दीवाना हो चुका हूँ। शायद जैसी थी, पर समंदर की आवाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। चले जैसे हवाएं। सनन सनन, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मुझे कोई गुदगुदी कर रहा है। करो करो।
मैकब्रूम, अब क्या हुआ तुम्हें? मेरी इस पार्टी हैट को देखो। मैकब्रूम, अभी नहीं, ठीक है? बाद में बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। समझ गए? ये हवा है, महसूस करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये हवा तो तेज हो गई है, पर अभी तक मुझे कोई भी कारण नहीं सुनाई दे रहा। वो क्या था? ओ नहीं, आ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बहुत तेज हवा है। देखो, मैं तो इसके अंदर भी घुस सकता हूँ। बॉटलबी, यहाँ देखो, मुझे ये टोपी मार्श के पास पड़ी हुई मिली। अजीब है, कोई इसे यहाँ छोड़ कर चला गया। हाँ, ये अजीब है। इस टोपी की खासियत ये है कि ये टोपी बहुत ही अच्छी आवाजें निकालती है। इसमें प्रकृति की अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। बढ़िया है ना? एक म्यूजिकल टोपी। ओ हाँ, मैकब्रूम, सुनने में अच्छा लगता है। बॉटलबी, इसे देखना नहीं चाहोगे? वैसे मैकब्रूम, मुझे माफ करना, तुम्हारी टोपी के लिए आज मेरे पास वक्त नहीं है। तुम देख रहे हो ना कि मैं आज एक स्पेशल मिशन पर हूँ, मुझे लहरों की आवाज सुननी है। पता है, मैंने ये पहले सुना है, ये लहरों की आवाज है ना? तुमने ये कहाँ सुना मैकब्रूम? तुम्हें और ढूंढने की जरूरत नहीं है बॉटलबी, तुम्हें बस मेरी म्यूजिक वाली टोपी चाहिए। देखो और सीखो, यहाँ पर अपने कान लगाओ और बिल्कुल गौर से सुनो, बिल्कुल गौर से। ये तो बहुत ही सुरीला है। वाओ, लहरों का गाना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने लहरों के गाने को सुन लिया। आज तो मजा ही आ गया। आज तुमने छोटी छोटी प्यारी प्यारी नीली पीली मक्खी को बहुत खुश कर दिया। आज तो बहुत मजा आ गया लहरों की आवाज सुन के, लहरों का गाना सुन के। ला 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 बॉटलबी, मुझे जाके डंग बॉल इकट्ठा करने हैं, तुम ये टोपी रख सकते हो। चले जैसे हवाएं सनन सनन। ओ मैकब्रूम, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे शेल देने के लिए और लहरों की आवाज सुनाने के लिए। तुम्हें पता है इस टोपी की खासियत ये है कि इसे कोई भी पहन सकता है। रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है मैकब्रूम, हमें शेल को सबसे साथ पहनना चाहिए। हे मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज जो मुझे बैकग्राउंड में दी है उसे शेल कहते हैं, और ये लहरों जैसी आवाज भी निकालती है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि शेल के आर पर हवा जाती है जो एक धुन निकालती है। तो अगली बार हम बात करेंगे पतझड़ के पत्तों के बारे में। ये सब जानने के लिए मेरे